आज हम टी टाइम स्नैक्स कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कॉर्न पोहा या फिर जिसे कॉर्न चिवड़ा भी कहते हैं, इसी से नमकीन बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम कॉर्न पापड़ी, या इसे कॉर्न चिवड़ा या कॉर्न पोहा जो भी आप कहें। किसी भी राशन की दुकान पे ये बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने आधा कप मूंगफली ली है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू, बादाम, किशमिश और कुछ नारियल की फ्लेक्स हैं। तो इसकी कोई खास निश्चित मात्रा नहीं है, आपकी जितनी भी श्रद्धा हो कम या ज़्यादा अपने इच्छा अनुसार डालें। इसके अलावा हमने कड़ी पत्ते और दो लाल मिर्च लिए हैं, 10-12 फ्रेश मिंट लिप्स, दो हरी मिर्च के फ्लेक्स। रेसिपी शुरू करने से पहले हम नमकीन में डालने के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। एक कटोरी में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून मिंट पाउडर डाल करके मिक्स कर लेते हैं। मसाला पहले से रेडी रहेगा तो गरम गरम नमकीन में ही हम इसे मिक्स कर देंगे, तो ये नमकीन के साथ अच्छे से चिपक जाएगा। इसमें ज़रा सा हल्दी भी मिला दे रहे हैं। गाइज, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो अभी मैं सभी ड्राई फ्रूट्स को पूरी छानने वाले झारे में धीमी आंच पे फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को तेल में डालकर डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस नमकीन को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सस्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्टी नमकीन बन करके तैयार होती है। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते समय गैस फ्लेम एकदम लो रखना है। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में तेल काफ़ी कम लगता है, लेकिन फ्राई कर लेने से इनका टेस्ट, क्रंच और इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। आपके पास रोस्टेड चना दाल हो तो उसे भी डाल करके 2 मिनट के लिए इसी समय फ्राई कर लें। तो अभी हमने कोकोनट फ्लेक्स को भी धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भून लिया है, और ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद अब हम कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, लाल मिर्च और जो 10-12 पुदीना की पत्तियां लिए थे उसे भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। और अब हमने गैस फ्लेम हाई कर लिया है ताकि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, और तेल बढ़िया से गर्म हो गया है तो इसमें हम कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में 2-3 मिनट का ही वक्त लगता है, थोड़ी देर में ही यह फूल कर बड़े साइज के हो जाते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके हमने उसी बर्तन में निकाल लिया है जिसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाला हुआ था। तो अब हम इसमें जो मसाला बना करके रेडी किए थे उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। इस मसाले को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हाथों से अच्छे से आप मिक्स कर पाएंगे। अगर आपको नमकीन में हल्की सी मिठास पसंद हो तो आप इसमें 1 चम्मच शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा चटपटा नमकीन आप पसंद करते हो तो इसमें 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर की नमकीन को बहुत ही जल्द मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, कम समय में बन जाती है। आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर हल्की फुल्की भूख लगे तो भी आप इसे खा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ने से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।